यह कहानी एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल की है जो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर स्थित था। इस हॉस्टल के बारे में एक रहस्यमयी डरावनी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि हॉस्टल के कमरे में एक प्रेत आत्मा का साया मंडराता है। यह आत्मा एक लड़की की थी जो कभी उसी हॉस्टल में रहती थी, पर एक रहस्यमय दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से उस कमरे के बारे में भूतिया कहानियां फैलने लगी। हॉस्टल की रातें काफी भयानक होती थी। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता, कुछ लड़कियों को सफेद साड़ी पहने एक औरत की झलक दिखाई देने लगती। वह औरत हॉस्टल के गलियारों में अकेली घूमती थी। उसके आसपास एक खौफनाक सन्नाटा रहता था और उस पर नजर पड़ते ही अजीब घटनाएं होने लगती थी। एक बार कुछ बहादुर स्टूडेंट्स ने उस भूतिया कमरे में जाने का निर्णय लिया, जो हॉस्टल का सबसे डरावना कमरा माना जाता था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुईं, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे वहां कोई और भी मौजूद था। कमरे में धीरे धीरे फर्नीचर हिलने लगा। दरवाजों पर किसी के नाखूनों की खरोच की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे कमरे की रोशनी धीमी पड़ने लगी और अंधेरा गहराता गया। उनमें से एक लड़की ने देखा कि वही सफेद साड़ी पहनी हुई प्रेत आत्मा उनकी ओर बढ़ रही थी। वे सभी चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी आवाजें बाहर किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह जब हॉस्टल के स्टाफ ने कमरे को खोला तो वहां उन लड़कियों का कोई नामोनिशान नहीं था। पुलिस और हॉस्टल स्टाफ ने कई बार उस कमरे की जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उस दिन के बाद से हॉस्टल के सभी लोगों के बीच यह कमरा और उसकी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई।